दरवाजा कर लो, लॉक हो जाएगा। ठीक, करो स्टार्ट। फोर बाय फोर के अंदर हमारे पास आ गई है, मॉडल नंबर 903 है। आपको इसकी वीडियो आपने पहले भी देखी होगी अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से। सबसे बड़े साइज़ की जीप आती है ये, इस साइज़ से बड़ा कोई साइज़ आता नहीं है किसी भी राइड ऑन कार में। आपको इसकी फुल डिस्क्रिप्शन वीडियो जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो हमने पहले ही काफ़ी लंबी वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो में हम आपको इसका नया फीचर बता रहे हैं कि अब हमारे पास ये 4x4 के अंदर आ गया। पहले की जो वीडियो 2x2 है, ये 4x4 के अंदर है। इसमें चारों टायर में मोटर है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, 4x4 या 2x2 लेने का। फीचर बाकी सारे एग्जैक्ट सेम है, बट फोर व्हील ड्राइव और टू व्हील ड्राइव ये फ़र्क आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड स्टेयरिंग के साथ है। इसका असेंबलिंग वीडियो भी हम पूरा बनाने वाले हैं, काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे थे इसका प्रॉपर असेंबलिंग वीडियो के लिए, तो वो भी हमने एक बना लिया है। आपको फुल डिटेल वीडियो जो इसकी चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप हमने पहले बनाई हुई है वो पूरा देख लीजिए। सेम के अंदर 4x4 मिल जाएगा आपको। तो एक नॉर्मल साइज़ की गाड़ी और इस साइज़ की जीप के आप बॉक्स साइज़ का डिफरेंस देख सकते हैं कितना बड़ा होता है। ये एक एवरेज अच्छे साइज़ की गाड़ी है जो अप टू 4 साल तक का बच्चा चला सकता है। चलिए असेंबलिंग स्टार्ट करें इसकी। अभी इसमें पैकिंग करते टाइम जब हम बाहर भेजते हैं तो इसमें इस टाइप का और भी गत्ता थर्माकोल वगैरह जो होता है वो डालते हैं सेफ पैकिंग करने के लिए। बाकी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी पैकिंग होता है ये। तो ये सारा सामान आता है इसके साथ, 4 व्हील्स हो गए, ठीक है। ऊपर की हेडलाइट आ गई अपना, ये आगे फ्रंट में लगेगा, साइड सपोर्ट है, स्टेयरिंग है। दो मोटर इसमें खुली आती हैं, दो लगी हुई आएंगी, फ्रंट वाली लगी हुई आएगी जीप के साथ ही, दो इसमें खुली आती हैं। पूरा नट बोल्ट का पैक आएगा, इसी में आपका चार्जर और रिमोट भी होगा। सीट हो गई, रॉड निकाल दो इसके अंदर से। ये रेयर व्हील के लिए रॉड आएगी जो सेंटर में मोस्ट लगती है, पीछे यहाँ पे नीचे बंधी हुई आएगी इसमें। और आप जो ये मोटर का साइज़ देख रहे हैं, बहुत हैवी वाली मोटर आएंगी चारों। आप एवरेज साइज़ की जो एवरेज मोटर आती है मैं आपको दिखा दूँ, ये आती है, आप कंपैरिजन देख लीजिए। मोटर भी बड़े साइज़ की मोटर है इसके अंदर, बहुत हैवी मोटर है। ये रॉड आ गई, ठीक। तो सबसे पहले आपने रॉड लगानी है इसकी रेयर व्हील की। चलो मुबारक हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, ठीक है। रॉड आ गई आपकी, ये आप देखेंगे पूरा ना लोहे की फ्रेमिंग है, पूरा सपोर्ट इसको लोहे का है। ये जैसे कि आपने बाकी भी असेंबलिंग की वीडियो देखी होगी, टायर लगाने का एकदम सेम सिस्टम है। मोटर पे आपने टायर लगाया, वॉशर लगाया, नट लगाया। अब ये फ्रंट के व्हील लगाएंगे। एक बात आपने ध्यान देखनी करनी है,
फ्रंट के व्हील की जो होती है फ्रेमिंग ऐसी होगी, खांचा ऐसा होगा, ठीक है। बैक के व्हील का इससे अलग होता है, तो इससे पहचान हो जाएगी कि आपका बैक का कौन सा है, फ्रंट का कौन सा है। ये इसको कैरी करने के लिए ये लगा दे कोई नहीं। ये टायर ना वो लगाना था, एक अपना रैपिंग लगा दो ताकि चला के दिखाएंगे। कोई नहीं, हाँ ऐसे ही लगा दे, चारों में लगा दे। आप एक एवरेज टायर के साथ अगर इसको कंपेयर करेंगे तो कहीं स्टैंड नहीं करता। आपको इससे गाड़ी के साइज़ का पता लग जाएगा। आप देखिए एवरेज कार का एक टायर है, नॉर्मल हमारे पास कार होते हैं उनका टायर। ये कलर मैचिंग के साथ है कैसे है? ये वाली कोई नहीं, इधर के इधर लग जाएगा, ये वाले इधर ये। पहले मोटर्स की वायर फिक्स करनी है हमने। उसके बाद सीट आ जाएगी, दो ये नट है इसमें दिए हुए, ये खोल के इसमें सीट आ जाएगी। स्टीयरिंग का ही वायर का जो सारी गाड़ियों का होता है बेसिक कॉन्सेप्ट स्टीयरिंग को लगाने का। ये रॉड होल के साथ मैच करना होता है। एक साइड में सिंपल लग जाएगा, सेकंड साइड में वायर दी होती है जो इस लाइट के लिए होती है। वायर एक दी हुई है इसको, ये अटैच हो गई। एक्स्ट्रा वायर को आप साइड में कर सकते हैं गाड़ी के अंदर या इस पाइप में। हाँ लॉक करो, नहीं फिर लॉक मत करो। ऐसे ये लगाने वाली लास्ट ही रह गए जो हमारा पार्ट है। ये सिंपल सारा पुश सिस्टम है, अब पुश करेंगे अंदर लॉक हो जाएगा। इसमें एक जो अलग चीज़ है जो बाकी गाड़ियों से में नहीं होती है कि सबकी सीट के नीचे वैसे बैटरी और सारा सर्किट सिस्टम लगा होता है, इसमें आगे बोनट में दिया हुआ है। तो ये इसके नीचे ना एक बटन दिया हुआ है, इसको आप प्रेस करेंगे तो बाहर आ जाएगा। ये एक बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस करेंगे तो फ्रंट वाला ये वाला पार्ट बाहर आ जाएगा। बैटरी का आपने वायर लगाना है, एक वायर लगा रहेगा, एक आपने लगाना है। जैसे आपको कमर्शियल यूज़ में या किसी को यूज़ करने होते हैं हमसे ले जाते हैं तो एक्स्ट्रा बैटरी खरीद लेते हैं, क्योंकि उनका पूरा दिन चलना होता है। तो चार्ज करके बड़ा इजीली बस ये खोला, बैटरी बदल दी बैटरी ख़त्म होने के बाद।